हेलो एवरीवन, तो आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडल टर्म फाइंड करनी होगी। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने यही किया था, लेकिन उसमें जो टोटल टर्म्स बन रही थी वो ओड नंबर ऑफ टर्म्स बन रही थी। इस वाले क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी वो इवन बनेंगी, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ये आपका बाइनोमियल है, उसकी पावर गिवन है 9। तो टोटल टर्म्स कितनी बनेगी देखिए, तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी देखिए, यहां पे पावर है 9, तो टोटल टर्म्स बनेंगी 9+1 यानी कि 10। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए कितनी बनेंगी, यहां पे पावर थी 9, तो 9+1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशन में बनेंगी 10। अब इसमें आप मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मान लीजिए वो टोटल टर्म्स जो 10 बनेंगे उनको मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। टोटल टर्म्स इसमें 10 हो गई। अब मिडिल में कौन सी टर्म आएगी देखिए, अगर आप फिफ्थ सोच रहे हैं तो ये गलत होगा। देखिए अगर आप इसको मिडिल टर्म मानते हैं तो ये बीच में नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही, देखिए फिफ्थ वाले के केस में इसके लेफ्ट साइड में देखिए 1, 2, 3, 4 चार टर्म्स हैं, जबकि इसके राइट हैंड साइड में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में कहां हुई है। तो फिफ्थ टर्म इसकी मिडिल टर्म नहीं है और इसकी मिडिल टर्म सिक्स्थ भी नहीं होगी। अगर आप सिक्स्थ को मिडिल टर्म मानते हैं तो इसके लेफ्ट में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच टर्म्स आ रही हैं और इसके राइट साइड पे सिर्फ चार ही टर्म्स आ रही हैं, तो सिक्स्थ टर्म भी मिडिल टर्म नहीं है। तो ऐसे केस में जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 10, 20, 12, 14, 16 यानी कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो टोटल, तो ऐसे केस में कोई एक टर्म नहीं होगी जो मिडिल टर्म होगी। तो इस केस में क्या होगा फिर, ऐसे वाले केस में आपकी दो टर्म्स मिडिल टर्म होंगी, यानी कि एक तो फिफ्थ टर्म और एक सिक्स्थ टर्म, ये दोनों ही मिडिल टर्म्स हैं। अब देखिए इन दोनों के हिसाब से देखिए, इधर भी चार टर्म्स आ रही हैं और इधर भी चार टर्म्स ही आ रही हैं, तो ये मिडिल टर्म्स का काम कर रही हैं। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर बनेंगी 10, 12, 14, 20, 30, तो मिड टर्म कौन सी होंगी, दो होंगी, ये और ये। अभी कैसे पता लगेगा यही होंगी, यहां तो आपको लिख के पता लग गया, लेकिन अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 होती तो यहां 1, 2, 20 लिखना पड़ता, काफी टाइम लग जाता। तो इसका एक फॉर्मूला भी है देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो क्या होगा, मिडिल टर्म्स क्या होंगी। तो मिडिल टर्म्स कुछ इस तरह से निकलेंगी, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो दो होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2+1। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10, तो 10/2, तो दो टर्म्स होंगी मिडिल टर्म्स, एक तो ये वाली इसके ब्रैकेट में TH, मतलब ये वाली टर्म इसके ब्रैकेट में भी TH। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि एक टर्म तो आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो होगी फिफ्थ, और दूसरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 यानी कि 10/2+1, तो ये हो जाएगा 5+1 यानी कि सिक्स्थ टर्म। तो आपकी दो मिडिल टर्म्स होंगी फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ऐसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और वैसे इसके पीछे क्या लॉजिक है जैसे मैंने आपको यहां पे समझाया वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की मिडिल टर्म लिख लेते हैं या निकाल लेते हैं। तो दो टर्म्स होंगी मिडिल टर्म फिफ्थ और सिक्स्थ, तो मैं दोनों ही निकालनी होंगी।
तो पहले फिफ्थ टर्म निकालते हैं, फिफ्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म क्या होगी, यहां पे है नाइन, तो नाइन सी फिफ्थ टर्म निकालने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि आर की वैल्यू जो यहां पे पैर में आती है सी के, वो एक कम होती है, तो फिफ्थ टर्म निकालने जा रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा फोर। उसके बाद फर्स्ट टर्म है आपकी ए बाय एक्स माइनस टू एक्स बाय ए, और इसकी पावर इन दोनों को माइनस करके आएगी नाइन माइनस फोर फाइव, और सेकेंड टर्म की पावर ये पैर वाली यानी कि फोर आ जाएगी। तो ये आपके फिफ्थ टर्म है, बस इसे आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो नाइन सी फोर यानी कि नाइन फैक्टोरियल, नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव फैक्टोरियल, और ये फोर फैक्टोरियल एज इट इज, ए की पावर फाइव, एक्स की पावर भी फाइव, माइनस की पावर है फोर। जब भी माइनस की पावर फोर सिक्स एट यानी कि इवन नंबर होती है तो माइनस हट जाता है, तो माइनस हट जाएगा, टू की पावर फोर और एक्स की पावर फोर, ए की पावर भी फोर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी नाइन फैक्टोरियल है और नीचे सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वो है फाइव फैक्टोरियल, तो नाइन फैक्टोरियल को फाइव फैक्टोरियल तक ओपन कीजिए, नाइन एट सेवन सिक्स यहां पे फाइव फैक्टोरियल तक ओपन होगा। डिवाइड में यहां पे फाइव फैक्टोरियल और ये फोर फैक्टोरियल है, तो इसे ओपन कर लेते हैं, फोर थ्री टू वन, ये ए फोर है ये ए फाइव है, तो ये सारे ए चार के चार इसे कट जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा, ए बचा एक बार, उसकी पावर वन, और पावर में वन हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, टू की पावर फोर, अच्छा एक को हम लास्ट में लिखते हैं, एक्स की पावर फोर बच रहा है एक, तो अच्छा एक्स की पावर फोर है ये भी कट हो जाएगा, एक्स की पावर फोर और ये फाइव, तो सिर्फ नीचे एक एक्स बचेगा, टू की पावर फोर, फाइव फैक्टोरियल से फाइव फैक्टोरियल कैंसिल, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ये टू से टू भी कैंसिल, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो फाइनल आंसर हमारे पास नाइन टू जा एटीन, एटीन सेवन जा, एटीन सेवन जा हो जाएगा वन हंड्रेड सिक्स। सो वन हंड्रेड सिक्स इंटू टू की पावर फोर ए बाय एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से देखिए फिफ्थ टर्म आपकी निकल जाएगी, ऐसी आपको सिक्स्थ टर्म भी निकालनी है। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो आपका फाइनल आंसर होगा वो भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसकी सिक्स्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। अब सिक्स टर्म निकालनी है, तो सिक्स टर्म कैसे निकलेगी, फिर से ये नाइन सी सिक्स टर्म निकालनी है, तो एक कम कर दीजिए फाइव, फर्स्ट टर्म है ए बाय एक्स और दूसरी टर्म है आपकी माइनस टू एक्स बाय ए। तो यहां पे देखिए इन दोनों को माइनस किया जाएगा, नाइन माइनस फाइव यानी कि फोर, और सेकेंड टर्म की जो पावर होगी ये पैर वाली फाइव आ जाएगी। अब इसे भी सॉल्व करना और आपकी सिक्स टर्म आ जाएगी, तो नाइन सी फाइव यानी कि नाइन फैक्टोरियल, नाइन माइनस फाइव फैक्टोरियल और ये फाइव फैक्टोरियल, ए की पावर फोर, एक्स की पावर फोर, यहां पे देखिए माइनस और इसकी पावर है फाइव, जब भी माइनस की पावर ओड नंबर होता है तो माइनस रहेगा, उस माइनस को मैं सामने लेता हूं, आपको टू की पावर फाइव, एक्स की पावर फाइव, और ए की पावर भी फाइव।
तो ये देखिए यहाँ पे a की पावर 4 से ये a की पावर 5 यानी कि ऊपर 4a और नीचे 5, तो 4 तो कट जाएंगे, एक ही a बचेगा। x की पावर 4 से ये 4x कट जाएंगे, एक ही बचेगा सिर्फ। ये 9 फैक्टोरियल है और यहाँ 4 फैक्टोरियल बनेगा, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल, तो नीचे सबसे बड़ा फैक्टोरियल है वो 5 फैक्टोरियल है। तो 9 फैक्टोरियल को हम 5 तक ओपन कर लेंगे, 9, 8, 7, 6 और ये 5 फैक्टोरियल। नीचे यहां पे देखिए 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। उसके बाद यहां पे x बच रहा है और नीचे a बच रहा है, तो x अपॉन a 2 की पावर 5 बच रहा है। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 4 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लें। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 9 into 8, और माइनस भी था आंसर है ना, तो माइनस भी रहेगा साथ में। सो 9, 8, 7, 6, इस 4 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 4 into 3 into 2 into 1, 2 की पावर 5, एक्स बाई ए। चलिए कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बस अब कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं, अब ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई किसे किसे करेंगे हम, माइनस का माइनस तो रहेगा, 3 into 7 21, 21 into 6, सो 6 1 जा 6, 6 जा 12, इंटू 2 की पावर 5। तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो इसके आप इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 126 इंटू 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो भी बुक में दिया है वो आ जाएगा। तो इस तरह का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो। और लास्ट में आप लिख देंगे इसकी मिडिल टर्म्स, सो मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन क्या है, एक तो हमारी फिफ्थ टर्म थी वो मैंने मिटा दी है, तो उसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो फिफ्थ टर्म आपकी बनेगी। देखिए करीब बनती है फिफ्थ टर्म 2016 a by x, ये आपकी फिफ्थ टर्म थी, और ऐसे आप अगर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो सिक्स टर्म आपकी आ जाएगी -4032 x by a, तो ये आपकी मिडिल टर्म्स हो जाएंगी, ये फिफ्थ वाली और ये सिक्स्थ वाली दोनों ही मिडिल टर्म्स हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है।